हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सब भाई? हम तो बिल्कुल ठीक है। हम बिल्कुल सब, मतलब सब नहीं ठीक है भाई। आपको बताया था कि मतलब बीच में ना मम्मी के बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उन्हें मतलब बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, बट हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख नहीं रहे थे कि उन्हें फ़ीवर है क्या है। तो मैं ज़बरदस्ती उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले गई, तो पता चला उन्हें फ़ीवर है। तो वो अभी थोड़ा सा बॉडी पेन से थोड़ा सा परेशान है। हस्बैंड जी आपने देखा कि वो आ चुके हैं, तो वो भी परेशान है क्योंकि वो एकदम 1 डिग्री या 2 डिग्री में गए थे एकदम ठंड में। और यहाँ पे दिल्ली में आपको पता है, यहाँ पे 42, 41, 45 ऐसे टेम्परेचर पहुँच रहा है, बहुत गर्मी है। तो उन्हें बहुत मतलब अभी दिक्कत हो रही है यहाँ पे सेट होने में, क्योंकि वहाँ पे 1 हफ्ता रह के आए हैं, तो काफ़ी इन्हें दिक्कत हो रही है। तो वही कह रहे थे थोड़ा सा टाइम लगेगा सेट होने में। तो वो चीज़ है, तो वो भी बीमार हो रखी हैं, चार भी बीमार थी, तो आज थोड़ा ठीक है, तो आज उसे स्कूल भेज दिया है। मतलब सभी, मतलब मौसम ऐसा हो रहा है कि सभी को कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, तो ये चीज़ है। तो चलिए भैया, मैं चार भी तो गई अपने स्कूल, और मैं काजल के लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ काजल के घी के कोफ्ते। तो चलिए आपको दिखाते हैं। कोफ्ते के लिए मैंने इसका पकोड़े के लिए बैटर बना कर तैयार कर दिया है। यहाँ कढ़ाई चालू कर देती हूँ, उसमें तलूँगी पकौड़े। तो ये देखो, चलो फटाफट से मैं इनको पकौड़ों को बना कर तैयार कर दूँ, क्योंकि जल्दी से नहाना भी है और आज अमावस भी है। तो चलो भाई, देर ना करते हुए फटाफट से इसका लंच तैयार करो, क्योंकि इसे जाना भी है। तो फटाफट से चार ही कह रही। तो भाई चलो फटाफट से इसका लंच तैयार कर देती हूँ, फिर नहाना धोना भी है, जो बत्ती भी करनी है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। ये कोफ्ते बन के हो गए हैं तैयार। इधर चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई, इसमें डाल दिया है जीरा। आई हूँ, इसको लेने आई थी मैं, इस लड़की को लेने आई थी। अब हम पी रहे हैं गन्ने का जूस। ये आज मम्मी पड़ी है बीमार, और ये नानी भी है हमारी, आज लेटी हुई है। ये आया है, लाए हैं शहद, कौन सा है? एक आमंड वाला, और दूसरा कौन सा है? दूसरा ये रहा नेचुरल हनी, फॉरेस्ट प्योर हनी रहता है। और टॉफी मिल गई भाई, टॉफी टॉफी। चार्ली के पापा आ गए। अरे भाई, पापा को आने की देर नहीं हुई, क्या लाए हो? चिल्ला दिए, आजा आजा अंदर, आजा 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 आजा। ये देखो, चारवी और चारवी दादी दोनों बोतलों से खेल रही हैं। चारवी का हो गया पेट खराब, तो इसलिए चारवी के लिए अब आई है भात बिस्लेरी की बॉटल। हाँ, लूज मोशन लग रहे हैं, आधी तो फ्रिज में लगा दी, आधी से खेल रही है। इसे हर चीज़ खेल चाहिए। अरे इसमें अब क्या करोगी, गंदी लड़की। नहीं, इस टाइम ये सबको हो रहा है दिक्कत। दादू को भी हो गई, बुआ को भी हो गई, मेरे पोती को भी हो गई, इसलिए हम पोती के लिए। ऐसे ही चल रहा है, बुखार अजीब सा ये सब। बर्बाद मत करियो ना। जितने हाँ ठीक है, नहीं है पैसे से आई है ये लड़की। देखो दे। बाल कैसे हो रहे, बाल बनवा ले। यहाँ पर बर्तन बदले जा रहे हैं मोटली के। वो रखे हैं सामने, नए लेके जाएंगे ये अपने बर्तन। छाती के लगी रखी एक एक बर्तन में जोड़े। और बहू कटोरी ले जाती तो ये मेरी कटोरी दे जा, ये मेरी चम्मच दे जा। आज ये बदले जा रहे हैं। आए हैं आज मार्केट देवो को शॉपिंग करवाने। ये देख रही है जींस, ये रहा हमारा मार्केट। और हवा चल रही है एकदम मस्त वाली। गौर से देखो इस आदमी को, ये आज कट्टा उठा के डोल रहा था। अब यहाँ से ले रहे हैं पर्स। ये देखो मामी खरीद रही है, 350 की रेंज बताइए, अब देखो कितना कम करता है ये। रात के बज रहे हैं 10 और हम घूम रहे हैं मार्केट में। ये देखो, और बेबी आपके सोना कहाँ गए? सोना बाहर के आके जो एक समय सोना, ये रे ये किसका बाबू सोना हुआ है? हमारा तो घर बैठा है भैया। बड़ी मुश्किल से शॉपिंग करती है ये मियाँ बीवी का प्यार। बेबी सोना वाला, अब बेबी छोड़ के भाग गया।
यहाँ ले रहे हम मोमोज। ओके इतना कौन सोचता है, हमारे मोमोज हम खाएंगे मोमोज। भैया बहुत गंदा रश हो रहा है आज मार्केट में, रात के 10 बजे भी इतना बुरा हाल है यहाँ पे। मम्मी अपने घर, इसको छोड़ के मैं भी चली अपने घर, बाय बाय। चीनू क्या कर रही है, मिट्टी तो दादी और ला देगी। खेल रही है, क्या बना रही दिखा, मिट्टी के खिलौने। ये बहुत दिन से जिद कर रही थी भाई मुझे मिट्टी से खेलना है, तो मैं क्या करती हूँ, बच्चे ने अपने घर में ही सब कुछ मिल जाए, सब चीज़ से जुड़ा रहना चाहिए ना, कि भाई मिट्टी है बच्चे क्या पता मिट्टी कैसी है, कैसे खेलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा हम ऐसे बचपन में खेलते थे बेटा, तो इसने चूल्हा बनवाया छोटा सा, टूट जाएगा बेटा, टूट जाएगा बाबू। हाँ तो वो इसके मिट्टी ला के गीली करके दे दी और बना रही है, क्यों हमारे टाइम में तो मिट्टी मिल जाती थी, अब तो भैया मिट्टी मिलती भी नहीं है। देखिए अभी मार्केट गए थे, आम कितने प्यारे लग रहे हैं, तो ये खरबूजा तो खा चुके हैं, एक ये फिर आम थे, मतलब एक ना आजकल वो आम वाली आइसक्रीम चल रही है, इसके अंदर बनाने बना के वो करने की, वो मुझे बनानी है, ट्राई करनी है, तो इसलिए मेरा बहुत मन कर रहा था, वो बनाओ ना बनाओ बट मैंगो शेक पीने का बड़ा जी कर रहा था। एक साल बाद आज बन रहा है मैंगो शेक, तो मम्मी को और हस्बैंड जी को मैं दे आई हूँ, ये मेरा मैं इसमें और गाल रही हूँ, और ये चारवी का खा गया आपका मैंगो शेक, खा गया और कोई बात नहीं, मस्त रहते हैं, मत पियो तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए भाई, ये अब मेरे हिस्से का बचा है, ए भर गया अब वीडियो का चक्कर में ध्यान नहीं दिया। और जो रोबज़ा का पाउच था, क्योंकि हम लोग इतना रोबज़ा पीते नहीं है ना, तो चार्वी को बहुत पसंद है, तो उसके लिए पाउच लाई थी, तो उसमें ऊपर से वो डाल दिया है मैंने, ऐसा लग रहा खून तैर रहा हो। देखो भाई हम दादी पोती रात को 12:30 बजे क्या कर रहे हैं, चेयर्स कर रहे हैं मैंगो से, कैसा लग रहा है, मस्त मस्त। अरे थोड़े में पेट भर गया ये दिखाओ भाई, अरे दिखाओ तो, वाओ मैंगो शेक देखो, रात के बज रहे हैं 1:30, आज पति देव ने मंगाया था आज बाहर से खाना, क्योंकि आज मतलब दिन में हमने चाय पराठे बनाए थे, ऐसा कुछ मन नहीं था, तो इस वजह से ना उन्होंने कहा मेरा मन नहीं है, मैं अभी बाद में खाऊंगा, ठीक है। शाम को हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं, मतलब आजकल वैसे भी आप लोगों को पता है हम एक टाइम ही खाना खाते हैं, तो रात को मुश्किल से कुछ बनता है, नहीं तो नॉर्मली अपना चाय वाय या हल्का सा नाश्ता टाइप का, जैसे सुबह नाश्ता करते हैं तो वैसे रात के टाइम नाश्ता करके अपना सो जाते हैं, मतलब इस टाइप का काम है, तो हम लोग रात को बहुत कम खाना खाते हैं। तो अभी उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी मन नहीं है, फिर रात को कह रहे हैं मैं कुछ बना दूँ, तो पहले तो कहा मैगी बना दो, तो मैंने कहा ठीक है, फिर क्या छोड़ो मैं बाहर से मंगाता हूँ, बेचारे ने बाहर से इतने मन से खाना मंगाया, और खाने में उन्होंने मंगाया था कढ़ाई पनीर और नान, और वो आ गया गलती से चिकन। अब इन्होंने जैसे ही उसमें कटोरे में घाला ना, तो उसके मतलब लेग पीस दिखाना, तो इनका तो ऐसा मूड ख़राब हुआ, तुरंत अभी मैं उल्टा ही पलटा, फिर वहाँ पे मेल डाला, कंप्लेन करी, तो अब पैसे तो रिफंड हो जाएंगे, तो इनका बहुत इन्होंने मतलब कम से कम 10 बार हाथ ना साबुन से धो चुके हैं, बहम के मारे बदबू आ रही है, ऐसे हो गए बेचारे परेशान से। तो मैं कहा कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, जान मुझके तो कोई नहीं है, गलती थी। तो अब मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, बना के रही हूँ, बन चुकी है, ये देखिए कि 1:30 बजे ये मैक्रोनी बनाई थी पति देव के लिए, पता नहीं ऐसी गलती लोग कैसे कर देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, पैसे तो रिफंड हो जाएंगे 1-2 दिन में, बट वही है आज बहुत ऊपर से बहुत बड़ी गलती होगी, आज पता नहीं कैसे भेज दिया, तो हर रोज़ उसी रेस्टोरेंट से ही खाते हैं हम लोग, जोमेटो से मंगा के, पर पता नहीं आज कैसे क्या गलती होगी। चलिए कोई बात नहीं, वो बांध के रख दिया हमने बाहर, कूड़े वाला आएगा तो उसमें गेर देंगे सुबह, बट ऐसी गलती फिर नहीं होनी चाहिए दोबारा। तो चलिए हस्बैंड जी को गाल के दे देती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं भाई। अब हो गया सोने का टाइम, अब करते हैं हम लोग आराम। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ। सो बाय, मुस्कुराते रहे और हमें देखते रहे। सो बाय गाइस, गुड नाइट।